प्रिय बच्चों शुभाशीष, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में कपड़ों की किस्मों के बारे में बताया था। उसमें कमीज का रेशमी कपड़ा, कमीज का सूती कपड़ा और कमीज का ऊनी कपड़ों के बारे में बताया था। अब उसके बाद आगे आता है रेशम के तंतुओं की विशेषताएं, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए। तो इनकी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें है रेशम के तंतुओं की विशेषताएं में पहला पॉइंट है तापवाहक। तापवाहक मतलब इसको पहनने से गर्मी लगती है क्योंकि ये शरीर के ताप को बहुत कम बाहर निकालता है। दूसरा नंबर है ताप का प्रभाव। गर्म पानी और तेज धूप, तेज प्रेस से इसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इसमें ताप सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट है हवा का प्रभाव। गर्म हवा से इसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं और रंग इसका हल्का पड़ जाता है। सफ़ेद वस्त्र में ये पीला पड़ जाता है हवा के प्रभाव के कारण। चौथा पॉइंट है इसमें नमी का प्रभाव। इसमें नमी शीघ्र नहीं फैलती है, लगभग 30% नमी यह सोख लेता है और गीला महसूस नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है अम्ल का प्रभाव। अम्ल से इसमें चमक आती है किंतु अम्ल के गाढ़े घोल से रेशम गल जाता है, इसकी चमक भी नष्ट हो जाती है। और छठवा पॉइंट है क्षार का प्रभाव। क्षार में इसके तंतु खराब हो जाते, कास्टिक सोडे के हल्के घोल में भी इसकी चमक नष्ट हो जाती है। हल्के क्षार जैसे सुहागा, अमोनिया के प्रयोग से दाग छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवा पॉइंट है सिकुड़न। गीला होने पर इसके तंतु न तो फैलते हैं न ही सिकुड़ते हैं, जो कि त्यों ही रहते हैं। आठवां पॉइंट है रंगों का प्रभाव। रेशम पर रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। कोई भी दूसरे कपड़े के साथ रेशम का कपड़ा रखेंगे तो रंग उसका चढ़ जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा। नौवां पॉइंट है रगड़ने का प्रभाव। अधिक रगड़ने से इनकी चमक नष्ट हो जाती है और ये ख़राब दिखने लगते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे असली रेशम की क्या पहचान होती है। तो इसमें असली रेशम और नकली रेशम दो प्रकार के होते हैं। असली रेशम, रेशम में अधिक सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरा, सब्जी के घोल में उबालने पर रेशम घुल जाता है। तीसरा पॉइंट है असली रेशम जलने पर बालों के समान गंध देता है। चौथा पॉइंट है जलने पर रेशम की काली काली गोली सी बन जाती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर रेशमी कमीज का कपड़ा ही खरीदना चाहिए, असली वाला खरीदना चाहिए। इसके बाद कपास के तंतुओं की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी तापवाहक, पहला पॉइंट है इसमें तापवाहक गर्म प्रदेश के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं। इसके तंतु वस्त्र शरीर के ताप को आसानी से बाहर निकाल कर और इसमें पसीना सोख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। ये गर्मी के गर्म पानी में भिगोने पर, धूप में सुखाने पर, तेज प्रेस करने से ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि कपास के रेशों में ताप सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है रगड़ने का प्रभाव। इसके तंतु अधिक मजबूत होते हैं। रगड़ने, पीटने आदि करने पर भी इनमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। नमी का प्रभाव चौथा पॉइंट है। इसमें सूती वस्त्र नमी को जल्दी सोखता है, इसी कारण फर्श पोषने के लिए तौलिया अधिक उपयुक्त होता है। पांचवा नंबर है रंगों का प्रभाव। ऊन व रेशम के समान इन पर रंग शीघ्र नहीं चढ़ता है, इन पर पक्का रंग चढ़ाने के लिए नमक व फिटकरी मिलाते हैं। छठवां पॉइंट है अम्ल का प्रभाव। अम्ल का सूती वस्त्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है,
अतः अम्ल का कोई दाग छुड़ाने के पश्चात इन वस्त्रों को अमोनिया के घोल में भिगो देना चाहिए, इससे कपड़ा कमजोर नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव 7वां पॉइंट है। इन्हें क्षार से कोई भी हानि नहीं होती है, जैसे इन्हें वॉशिंग पाउडर इत्यादि जो क्षारीय है, कास्टिक सोडा और ये जो साबुन होता है उससे वस्त्र को धोया जाता है, इससे कोई हानि नहीं होती है। 8वां पॉइंट है कीड़ों का प्रभाव। इन पर कीड़ों का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ऊनी कपड़े में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन सूती कपड़ों में कोई कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ता है। कपास के तंतुओं की उपरोक्त विशेषताओं को देखकर इसके बाद हम आगे चलते हैं ऊन के तंतुओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है ताप वाहक। ऊन को बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि गर्मी का कुचालक कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए सर्दी के मौसम व ठंडे प्रदेश में ऊनी कपड़ों से शरीर की रक्षा की जाती है। दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। अधिक तेज प्रेस करने से, गर्म पानी से धोने पर इनके तंतु खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये तंतु अधिक ताप सहन नहीं कर सकते। गर्म पानी खोलते हुए पानी से ऊन को अगर धोएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है धूप का प्रभाव। तेज धूप में इनका रंग उड़ने लगता है। आप तेज धूप में ऊनी कपड़ों को अगर धो के फैला दिए सीधी तरफ से तो उसका रंग डिसकलर हो जाएगा, रंग उसका उड़ जाएगा और उसकी शोभा खराब हो जाएगी। इसलिए तेज धूप में आप उल्टा करके इसको फैलाएं। तेज धूप में अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण इनकी रासायनिक रचना में अंतर आ जाता है, इसके तंतु फूल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ऊन को दोबारा रंगना पड़ता है और वो सही कलर उसमें नहीं आ पाता। फिर चौथा पॉइंट है रगड़ने का प्रभाव। इन्हें रगड़ने से इनके ऊपर के रेशे रोए निकल जाते हैं, जिससे तंतु कमजोर होकर खराब हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है रंगों का प्रभाव। इन पर रंग शीघ्रता से चढ़ता है, प्रायः रंग पक्का होता है जो नहीं छूटता है। छठवां पॉइंट है नमी का प्रभाव। लगभग 30% नमी को ऊनी तंतु अपने अंदर छिपा लेते हैं तथा ये महसूस नहीं होती है। सातवां पॉइंट है अम्ल का प्रभाव। अम्ल के हल्के घोल में ये खराब नहीं होता है, किंतु गंधक के अम्ल में इनके तंतु अत्यधिक कमजोर बना देते हैं। ऊनी रेशा अम्ल का कुछ भाग सोख लेता है। आठवां पॉइंट है क्षार का प्रभाव। ऊन पर क्षारों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इससे तंतु पीले पड़ जाते हैं, इनके रेशे व रोएं आपस में जकड़ जाते हैं। अधिक ताप पर इनका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। कास्टिक सोडा के केवल 5% गर्म घोल से ही ऊनी वस्त्र बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, किंतु अमोनिया व सुहागा इसे हानि नहीं पहुंचाता है, अतः इनका प्रयोग ऊनी वस्त्रों को धोने में किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है कीड़े मकोड़ों का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों को अलमारी या ट्रंक में बंद करके न रखने से इन्हें कीड़े लगने से तुरंत नुकसान पहुंच जाता है, तथा इसको अगर रखें तो कपूर की गोलियां इत्यादि डालकर, फिनाइल की गोलियां डाल के रखना चाहिए। इस प्रकार हमने जाना कि सूती ऊनी और रेशमी कपड़े के तंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं। उसके पश्चात हम जानेंगे कि ऊनी कपड़ों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। अब ऊनी कपड़े बहुत महंगे होते हैं और जरा सी असावधानी से ये तुरंत खराब हो जाते हैं, अतः ऊनी कमीजों के वस्त्रों को रखरखाव में विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें ऊनी वस्त्रों वाली अलमारी अथवा ट्रंक को आवश्यकता अनुसार सही ढंग से उसको साफ सफाई करके
तभी मौसम में ही खोलना चाहिए। बार बार खोलने से उन्हीं वस्तुओं के खराब होने का भय रहता है। कभी कभी इन्हें धूप भी दिखा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सर्दी के पश्चात जब उन्हीं वस्त्रों को संभाल के रखा जाता है तो उस समय सभी वस्त्र एक बार अवश्य धो लेने चाहिए। गंदे वस्त्रों को नहीं धो रखना चाहिए, नहीं तो उसमें उसमें कीड़े इत्यादि जल्दी आ जाएंगे और कपड़ा नष्ट होने की संभावना अति शीघ्र हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, बॉक्स की तली को तथा ऊनी कपड़ों के ऊपर सूती पतली चादर से भली प्रकार ढक लेना चाहिए। जो नीचे आप बॉक्स के नीचे सबसे पहले कोई कपड़ा सूती या चादर कोई भी चीज़ पहले बिछा दें, उसके पश्चात नीम की पत्तियां रखिए, उसके पश्चात आप ट्रंक में कपड़े को रखिए। चौथा नंबर है, ऊनी वस्त्र को बॉक्स में नीम की पत्तियां, नेप्थलीन की कुछ गोलियां और कीड़ों से बचाव के लिए अवश्य डाल देनी चाहिए। पांचवा, अलमारी अथवा बॉक्स में कोई छेद या सुराख है तो कीड़े जाने का भय होता है तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए, मरम्मत कर लेना चाहिए। छठवां पॉइंट है, इन्हें बरसात में नम वायु से बचाना चाहिए। बरसाती मौसम में इन्हें सूखे स्थान पर ही रखना चाहिए, गीले स्थान पर जहाँ सीलन हो वहाँ नहीं रखना चाहिए। सातवां पॉइंट है, खाने की कोई सामग्री गिरने पर इन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए, नहीं तो ये नष्ट हो जाते हैं। आठवां पॉइंट है, ऊनी वस्त्रों को जेंटल रीठे अथवा सर्फ से ही धोना चाहिए। नौवां पॉइंट है, हल्के हाथ से धोकर इन्हें तौलिए के ऊपर बिछाकर किसी चौकी या मेज पर सुखाना चाहिए। हैंगर में लटकाने से इनका आकार बिगड़ जाता है, ये अपने आकार को खो देते हैं। दसवां पॉइंट है, कीमती ऊनी कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए, खुद घर में नहीं धोना चाहिए। इसके बाद आता है कमीज का रेशमी सूती ऊनी, जिस भी कपड़े को बनवाने जा रहे हैं उसे खरीदने के लिए गृहिणी या जो भी व्यक्ति खरीद रहा है उसके मन में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पहले ही जान लेना चाहिए, तब वस्त्र खरीदने जाना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, यह वस्त्र किस प्रयोजन के लिए लेना है, क्या यह उसके अनुकूल है या यह विशेष प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है कि नहीं, ये जान लेना चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट है, क्या यह वस्त्र एक के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों एवं वस्त्रों पर प्रयोग किया जा सकता है। एक जैसा वस्त्र अगर एक ही आयोजन पर आप पहनेंगे तो वस्त्रों पर ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए ऐसे वस्त्र खरीदने चाहिए जो अन्य भी अवसरों पर प्रयोग किए जाए। तीसरा पॉइंट है, क्या यह काफ़ी दिन चलेगा, अधिक चलने वाले ही वस्त्र खरीदने चाहिए। क्या यह चौथा पॉइंट है, क्या यह वस्त्र मौसम के अनुकूल है अथवा गर्मी में ठंडा जाड़ों में गर्म रहेगा, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, इसकी चयन रचना कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये भी जाँच लेना चाहिए। छठवां पॉइंट है, क्या यह वस्त्र आसानी से धोया जा सकता है, इस्त्री किया जा सकता है, क्या इसमें फफूंदी इत्यादि कीड़ों आदि से रक्षा करनी पड़ेगी या स्वयं ये इसमें निपुण है। मतलब ऐसे वस्त्र जो रफ एंड टफ होते हैं वैसे ऐसे ही वस्त्र ज़्यादा उपयोग में लाने चाहिए या सूती वस्त्र खरीदने चाहिए। सातवां पॉइंट है, क्या वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक है। आठवां पॉइंट है, क्या यह पहनने वाले पर खिलेगा कि नहीं, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसमें नौवां पॉइंट है, क्या यह चालू फैशन और स्टाइल के अनुरूप है, नहीं तो फैशन बदलने पर क्या ये बदल जाएगा कि मतलब ये चलेगा ही नहीं, आपका जितना आपने ये सिलवाया है वो ख़राब लगेगा पहनने में। दसवां पॉइंट है, क्या इसमें जो धन आप लगा रहे हैं वो उचित है। ग्यारहवां पॉइंट है, इसमें क्या हैंडलिंग और कटाई सिलाई इसकी आसान है, क्या रखरखाव इसका आसान है, इसकी कटाई सिलाई करने में क्या आसानी से ये सिल जाएगा कि इसकी सिलाई बहुत महंगी पड़ेगी।
बारहवां पॉइंट है, क्या इसे खरीदने की इच्छा है और या किसी को देखकर हम अनुकरणवश इसको खरीद रहे हैं। इसलिए ऐसे वस्त्रों को खरीदने से पहले कई पॉइंटों पर सोच लेना चाहिए, अपना निर्णय पहले ले लेना चाहिए, फिर वस्त्रों को खरीदना चाहिए। वस्त्रों को क्रय करने से इन प्रश्नों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो यह चैप्टर अब समाप्त होता है। धन्यवाद।